बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस सिस्टम। इस टॉपिक को समझने से पहले पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम? ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स डेट कलेक्टिवली परफॉर्म सम टास्क। एक सिस्टम कुछ कंपोनेंट्स का, कुछ अज्जा का, कुछ चीजों का मजमुआ होता है जो मिलकर कोई खास किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टीचिंग सिस्टम है। आप जरा इमेजिन करें, अपने जहन पर जोर डालें कि एक टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट्स को, तो वो एक टीचिंग सिस्टम वहां पर डेवलप हो चुका होता है। अब उस टीचिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं? टीचर उसका कंपोनेंट है, स्टूडेंट भी कंपोनेंट है, क्लास रूम भी कंपोनेंट है, चेयर्स भी कंपोनेंट है जिस पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, व्हाइट बोर्ड भी कंपोनेंट है, मार्कर भी जिससे टीचर व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा है वो भी कंपोनेंट है, बुक्स जो आपने ली हुई हैं वो भी कंपोनेंट है, और उस कमरे के अंदर अगर पंखा लगा हुआ है, कोई रोशनी का इंतजाम है, कोई एनर्जी सेवर वगैरह लगा हुआ है, तो वो भी सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। ये सारी चीजें मिलकर टीचिंग सिस्टम बना रही हैं। अगर आप इसमें से किसी भी चीज को स्किप करेंगे तो सिस्टम में खराबी पैदा होगी। मिसाल के तौर पर व्हाइट बोर्ड ना हो टीचिंग सिस्टम में, कोई ना कोई मुश्किल पेश आएगी टीचिंग में। इसी तरह मार्कर ना हो, इसी तरह बुक ना हो, इसी तरह अगर स्टूडेंट ना हो तब भी टीचिंग सिस्टम में। तो हर कंपोनेंट की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो एक सिस्टम बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है जो मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। तो कई तरह के सिस्टम्स हैं। हम बात कर रहे हैं डेटाबेस सिस्टम की। आगे डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस सिस्टम डेटा का एज वेल एज प्रोग्राम और प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है रिक्वायर्ड टू मैनेज द डेटा। और ये प्रोग्राम्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इस डेटा को मैनेज करने के लिए। अब डेटा यहां पर क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। स्टूडेंट अगर कॉलेज की डेटाबेस है, देखिए डेटाबेस जो है ये डेटाबेस सिस्टम लाइब्रेरी का हो सकता है, ये डेटाबेस सिस्टम एडमिशन सिस्टम का हो सकता है, ये डेटाबेस सिस्टम एक बैंक के अंदर अकाउंट्स का हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम। इसी तरह ये डेटाबेस सिस्टम एक शुगर मिल है, वहां पर स्टॉक की डेटाबेस बनी हुई है। इसी तरह एक सुपर स्टोर है, वहां पर भी एक स्टॉक की डेटाबेस बनी हुई है। तो ये डेटाबेस सिस्टम कई तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकते हैं। एक डेटाबेस क्या होती है? डेटा का, डेटा कह रहे हैं सिंपल मालूमात को। अगर फर्ज करें स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर डेटा है, स्टूडेंट का नेम डेटा है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डेटा है, मोबाइल नंबर डेटा है, एड्रेस डेटा है, ऑब्टेन मार्क्स डेटा है, सीजीपीए क्या है या परसेंटेज मार्क्स क्या है, ये सारी मालूमात डेटा है। इसी तरह एक टीचर है, टीचर का नेम, टीचर की सैलरी, टीचर का ग्रेड, टीचर की क्वालिफिकेशन, ये सारी मालूमात क्या हैं? डेटा हैं। तो डेटाबेस सिस्टम क्या है? इस तरह की बहुत सारी मालूमात का मजमुआ होता है और प्रोग्राम्स का और सॉफ्टवेयर का मजमुआ होता है, और वो प्रोग्राम करते हैं इस डेटा को मैनेज करते हैं। जब हम ये कहते हैं डेटा को मैनेज करते हैं तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं डेटाबेस में से, डेटा और डेटा को अपडेट करते हैं। अपडेट का मतलब है कोई चेंज करते हैं, फर्ज करें कोई स्पेलिंग गलत होते हैं, इस तरह की चीजें। ए डेटाबेस सिस्टम इज ए कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। एक डेटाबेस सिस्टम एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो कंप्यूटराइज्ड हुआ हुआ है, यानी कंप्यूटर पर उसकी एक डेटाबेस बनी हुई है, यानी रिकॉर्ड्स को रखने का एक सिस्टम है, चाहे वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, टीचर्स का रिकॉर्ड हो, बुक्स का रिकॉर्ड हो, या एक सुपर स्टोर के अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स, मुख्तलिफ आइटम या चीजों का रिकॉर्ड हो, किसी भी चीज का रिकॉर्ड। द मेन पर्पज ऑफ दिस सिस्टम इज टू मेंटेन द डेटा। इस सिस्टम का जो मेन पर्पज है वो डेटा को मेंटेन करना है, एंड प्रोवाइड इट टू द यूजर व्हेन रिक्वायर्ड, और उस डेटा को, उस मालूमात को यूजर को प्रोवाइड करना है जब इसकी जरूरत पेश आती है। यहां पर एक चीज और समझ लें, ये हमने अब
यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को भी साथ के साथ दूर करते जाएं। एक है डेटाबेस सिस्टम, एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो याद रखें, डेटाबेस सिस्टम जो है ये एक डेटा का और प्रोग्राम्स का मजमुआ, बेसिकली तो डेटा का मजमुआ है। डीबीएमएस क्या है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करता है। तो यहां पर दो इन अल्फाज को आपने इनका फर्क जहन में रखना है कि डेटाबेस सिस्टम डेटा का और प्रोग्राम्स का मजमुआ है, और डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करता है। हम यूं भी कह सकते हैं डीबीएमएस जो है वो एक डेटाबेस सिस्टम का एक पार्ट होता है, यूं कह सकते हैं। अगला हमारी चीज है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम के अज्जा या हिस्से या पार्ट्स। एक होता है डेटा, डेटाबेस का डेटा सबसे अहम मालूमात, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सनल यानी लॉग, यूजर्स वगैरह। तो इसके चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम के, याद रखना। यहां पर मैं ये कह रहा हूं डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एमएस एक्सेस है, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर है। ये जो चार कंपोनेंट्स हैं ये डेटाबेस सिस्टम के हैं। अब हम इनको बारी बारी जो है मजीद डिटेल से पढ़ लेते हैं। नंबर वन, डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस हकायक का मजमुआ होते हैं जो डेटाबेस में स्टोर होते हैं, यानी मालूमात का मजमुआ जो डेटाबेस में स्टोर होते हैं। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है डेटाबेस सिस्टम की वो डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट। डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट होता है, एक असासा होता है। टेबल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा इन द डेटाबेस। टेबल्स इस्तेमाल होती है डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। यानी मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आपको यह बात समझाई थी, डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मालूमात का मजमुआ होता है। आपने अगर डेटाबेस बनानी है, डेटा इकट्ठा करें, उसे ऑर्गेनाइज कर दें। ऑर्गेनाइज कैसे करें? उसे टेबल्स की सूरत में स्टोर कर दें कंप्यूटर में। तो टेबल्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं? टेबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी दो काम हम टेबल से ले रहे होते हैं। ये आपको टेबल दिखा दी गई है, रोल नंबर का कॉलम है, एस नेम मींस स्टूडेंट नेम का कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, मार्क्स का कॉलम है, इन कॉलम्स को फील्ड भी कहते हैं। ये पूरी क्या चीज बनाई हुई है हमने? टेबल बनाई हुई है। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है, रिलेशन। रिलेशन का मतलब यहाँ ताल्लुक नहीं है, टेबल को ही कहते हैं। अच्छा, इन कॉलम्स को एट्रीब्यूट या फील्ड भी कहते हैं। ये रोल नंबर का एट्रीब्यूट है या फील्ड है या कॉलम है, स्टूडेंट नेम का एट्रीब्यूट है, फील्ड है या कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ का नेम जो है ये एट्रीब्यूट है या फील्ड या कॉलम कह लें। तो एट्रीब्यूट, फील्ड या कॉलम एक ही बात है। और ये जो लिखा हुआ 1001 असद 2490 और 850, ये पूरी लाइन यानी ये पूरी रो रिकॉर्ड कहलाती है या टुपल कहलाती है, रो रिकॉर्ड या टुपल। तो एक टेबल क्या होती है? बहुत सारे कॉलम्स का और रोज का मजमुआ होती है। और ये टेबल एक डेटाबेस में, एक डेटाबेस में एक टेबल भी हो सकती है और एक से ज्यादा टेबल्स भी हो सकती हैं। तो ये जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, ये टेबल के अंदर हम लिख देते हैं, टेबल के अंदर इसको स्टोर कर देते हैं। और डेटा क्या है? ये जो रोल नंबर लिखा हुआ 1001, इसको कह रहे हैं डेटा। एएसएडी असद, ये जो असद लिखा हुआ है ये डेटा है। 2490 ये डेटा है। 850 ये डेटा है। तो एक डीबीए डेटाबेस सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है? इस डेटा को स्टोर कर रहा होता है, डेटा को इंसर्ट कर रहा होता है, डेटा को डिलीट कर रहा होता है, डेटा को अपडेट यानी मॉडिफाई या चेंज वगैरह, स्पेलिंग के नाम वगैरह होते हैं, इस तरह का चेंज कर रहा होता है। नंबर टू है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के पुर्जों को कहते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यूज फॉर डेटाबेस सिस्टम आर एज फॉलोज। कुछ अहम कंपोनेंट्स जो डेटाबेस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो दर्ज ज़ैल हैं। यानी आयो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक डेटाबेस सिस्टम के अंदर, जब आपने डेटाबेस बनाई हुई है यानी
कंप्यूटर में बनाई हुई है, तो कंप्यूटर के जो पुर्जे होंगे वो सारे के सारे हार्डवेयर होंगे और वो उस डेटाबेस सिस्टम का हिस्सा होंगे, कंपोनेंट होंगे। हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं कि एक डेटाबेस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके अज्जा कौन से हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ईटीसी वगैरह, ये चीजें सारी इस्तेमाल होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये भी एक इस्तेमाल होती हैं डेटाबेस सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए। मेन मेमोरी रैम भी होनी चाहिए, प्रोसेसर यानी सीपीयू होना चाहिए, और नेटवर्क, अगर आपकी डेटाबेस किसी नेटवर्क पर काम कर रही है, एक होती है ऐसी डेटाबेस जो सिंगल पीसी पर होती है, एक ऐसी डेटाबेस होती है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स पर एक्सेस की जाती है, जिसे नेटवर्क जिसे हम कहते हैं। अब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। तो अगर ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए हो हार्डवेयर के तौर पर, नेटवर्क डिवाइसेस जैसे स्विच है, हब है, राउटर है, केबल्स वगैरह, ये सारा हार्डवेयर चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर तीसरी चीज है, फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज इन द डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तीन तरह के सॉफ्टवेयर हमें मेनली चाहिए होते हैं एक डेटाबेस सिस्टम में। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, ये हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं, पुर्जों को भी, और इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। यानी जितना भी कंप्यूटर के पुर्जे हैं, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क वगैरह है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जितने सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होना जरूरी है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है, जैसा कि एमएस एक्सेस और एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल और एक्कल, ये सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स के नाम है। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को हम डीबीएमएस कह रहे हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, डेटाबेस को यूज करने, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं, टेबल्स को क्रिएट करना, टेबल्स के अंदर डाटा इंसर्ट करना, टेबल्स के अंदर से डाटा डिलीट करना, उसे अपडेट करना, ये सारे काम डीबीएमएस के जिम्मे होते हैं, यानी इस सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं। अच्छा, ये डीबीएम, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये फ्रंट एंड पर नजर नहीं आ रहा, ये बैक एंड पर रहकर काम करता है। आमतौर पर टेबल्स वगैरह नजर नहीं आ रही होती हैं, लेकिन इनकी वर्किंग चल रही होती है, ये बैक एंड पर रहकर काम कर रहे होते हैं, ये स्क्रीन पर मेनली नजर नहीं आ रहे होते जब भी कोई डेटाबेस आप एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं या मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उस वक्त ये स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं। लेकिन आम तौर पर जैसा कि आप एटीएम को यूज कर रहे हैं किसी बैंक में जाकर, तो आपके सामने वो ऑप्शंस नजर आ रही हैं, वो ऑप्शंस जो नजर आ रही होती हैं आपको, कैश विड्रॉल की, इसी तरह को यूटिलिटी कैश जो है वो आपने ट्रांसफर करना है, या बैलेंस इंक्वायरी की ऑप्शंस हैं, ये सारा जो स्क्रीन पर नजर आ, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। इसी एप्लीकेशन प्रोग्राम की बैक पर डेटाबेस की टेबल्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं, तो वो आम तौर पर स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही होती है। लेकिन जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उस वक्त जो है ये स्क्रीन पर नजर आ जाती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है। देखें, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपके मैसेज कहां स्टोर होते हैं, आपकी पिक्चर्स कहां स्टोर होते हैं, तो जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और इसकी बैक एंड पर, इसके पीछे किसी कंप्यूटर पर क्या की होती है, ये एक डेटाबेस काम कर रहे हैं। तीसरा फेसबुक, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या एटीएम के ऊपर जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं आपको वो सॉफ्टवेयर की, वो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम फ्रंट एंड पर होता है, यानी स्क्रीन पर उसकी ऑप्शंस नजर आ रही होती हैं, डिलीट करने की, पोस्ट करने की ऑप्शंस, फॉरवर्ड करने की ऑप्शंस, तो कैश विदड्रॉल की एटीएम में है, कैश जो है ट्रांसफर की, बैलेंस इन, डिफरेंट ऑप्शंस स्क्रीन पर नहीं है। फ्रंट एंड का एप्लीकेशन प्रोग्राम ये अलहदा से होता है, और डेटाबेस जो है डीबीएमएस जो है वो बैक एंड पर रहकर काम करती है। ये फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर होता है, यानी स्क्रीन पर आपको इसके ऑप्शन नजर आ रही होती हैं, यूज टू एक्सेस द डाटा, जो इस्तेमाल होता है डाटा को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से।
यूजर कैन इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट द डाटा यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। यूजर जो है डाटा को इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, किस में से, डेटाबेस में से, इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है पर्सनल लॉग। डेटाबेस सिस्टम के साथ कौन कौन से लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं, कौन से लोग इसके साथ काम करते हैं या मुंसलिक होते हैं। तीन किस्म के लोग हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ए पर्सन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऐसा शख्स होता है हु क्रिएट्स एंड मैनेज द होल डेटाबेस, जो पूरे डेटाबेस सिस्टम को क्रिएट भी करता है और मैनेज, यानी ये डेटाबेस बनाने का एक कंपिटेंट पर्सनैलिटी होती है। इसको तमाम डेटाबेस की टेक्निकलिटीज का पता होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी ये टेक्निकली एक कंपिटेंट पर्सन होता है और इसने ही पूरी की पूरी डेटाबेस को बनाना होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये भी ऐसा शख्स है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए हम क्या करते हैं, डाटा को हासिल करते हैं, डाटा को इंसर्ट या डिलीट करते हैं डेटाबेस में से। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर एक अलहदा से शख्स होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखता है। यानी यूं समझें कि ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, ये मिलकर काम करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने डेटाबेस बनानी है, मीन्स टेबल्स बनानी है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो डेटाबेस के अंदर यानी उन टेबल्स के अंदर डाटा को इंसर्ट डिलीट या अपडेट करेगा उस प्रोग्राम के जरिए, ये भी प्रोग्राम बनाएगा। एंड यूजर, इस तरह के यूजर्स होते हैं जो इस डेटाबेस को यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से डाटा, ये यानी ये आम पर्सनैलिटी होती हैं, इनका कंप्यूटर का नॉलेज होना इनके लिए कुछ जरूरी नहीं होता। ये यानी इनको ये नहीं पता होता डेटाबेस क्या होता है, इनको ये नहीं पता होता, एक आम यूजर है जैसे एटीएम यूज करने जाता है, आम यूजर है, जरूरी नहीं है उसे कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन हासिल करनी है, तो वो एटीएम फिर भी यूज कर लेता है, उसकी उस मुख्तलिफ ऑप्शंस को यूज कर लेता है, पीछे डाटा बैक एंड में डेटाबेस को भी यूज कर लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता डेटाबेस क्या है, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्राइमरी की क्या है, फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होती है, इस तरह की चीजों का एंड यूजर्स को पता नहीं होता। ये जस्ट डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की मदद से। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।